अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ वीजू एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है बिज़नेस एथिक्स MGT 610 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 29। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करेंगे उसमें है द एथिक्स ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल, उसकी रेमेडीज़ हैं, द ड्यूटीज़ ऑफ द फर्म, जस्टिस है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब। तो ये लेक्चर नंबर 29 का हैंड आउट है, तो इसमें दिया हुआ है द एथिक्स ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल, इसमें रेमेडीज़ हैं, द ड्यूटीज़ ऑफ द फर्म। तो इसमें जो बात हो रही है द रेमेडी फॉर एक्सटर्नल कॉस्ट अकॉर्डिंग टू यूटिलिटेरियन, यूटिलिटेरियन के कॉन्सेप्ट जो हैं हम मिड टर्म के जो लेक्चर्स थे उसमें हम काफ़ी हद तक कवर कर चुके हैं। इसका सिर्फ रिकैप दूंगा मैं आपको, डिटेल में नहीं जाऊँगा। यूटिलिटेरियन का कॉन्सेप्ट ये था, इन्होंने ये थ्योरी दी थी कि अगर आप इस किसी भी मसले में फंस जाते हैं तो एथिक्स के हवाले से आप उस मसले को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं या उसका सोल्यूशन इस तरीके से निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम बेनिफिट होना चाहिए आपको। मैक्सिमम बेनिफिट होने से मुराद ये है कि जैसे हमने पीछे मिसाल पढ़ी थी कि एक कंपनी जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थी और जो गाड़ियाँ बनाती थी, तो उसमें क्या हो गया था कि गाड़ियाँ जो हैं उसकी गाड़ियों की में जो है वो गाड़ियाँ थोड़ी चल के उसका ऑयल टैंक जो था वो ब्लास्ट हो जाता था, जिसकी वजह से गाड़ी में आग लग जाती थी और जो बंदा था उसकी डेथ भी हो सकती थी या उसके बॉडी पार्ट्स जो है आग लगने की वजह से 40% 30% जल जाते थे या बॉडी के कुछ पार्ट ज़ाया हो जाते थे या तो उसकी डेथ हो जाती थी। तो यूटिलिटेरियन का कॉन्सेप्ट ये है कि कंपनी ने जो है वो कंपनसेट करना था, यानी कि एक ऑप्शन उनके सामने ये था कि वो अपनी सारी गाड़ियाँ, उनको पता था कि डिफेक्ट आ गया तो वो सारी गाड़ियों को वापस बुलाएं, सब गाड़ियों को रिचेक करें, उस डिफेक्ट को रिमूव करें एंड देन कस्टमर्स को वो गाड़ियाँ वापस कर दें। तो उसमें इनकी कॉस्ट आ रही थी तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। और अगर वो कंपनसेट करते हैं उन लोगों को जिनकी उसकी वजह से डेथ हो रही थी या उनके बॉडी पार्ट ज़ाया हो रहे थे, तो उसकी कॉस्ट जो थी उसके मुकाबले में 60% कम थी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये सोचा कि भाई हम जो है वो कर लेते हैं कि हम गाड़ियों को वापसी नहीं बुलाते हैं, जितने लोगों की डेथ होगी या जिन लोगों के साथ मसला होगा उनको कंपनसेट कर देंगे। लेकिन यूटिलिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि आपने मैक्सिमाइज बेनिफिट में की तरफ जाना है, सिर्फ पैसे को आपने बेनिफिट के तौर पर नहीं देखना, आपने इस चीज़ को भी देखना है कि आपको आपके बिज़नेस में भी नाम ख़राब ना हो। क्योंकि अगर इस तरीके से हो गया लोग आगे चल के मज़ीद, उन्होंने तो उसी स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया कि उन्होंने गाड़ियां वापस नहीं बुलवाई, डिफेक्ट को रिमूव नहीं किया बल्कि लोगों को कंपनसेट किया, उससे क्या हुआ आगे जाके उस कंपनी का नाम जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया और उनकी गाड़ियाँ बिकना बहुत कम हो गई और जितने उन्होंने पैसे बचाए उनसे कहीं ज़्यादा उनको नुकसान हो गया। जो यूटिलिटेरियन ये कहता है कि आपने मैक्सिमम बेनिफिट देखना है, ना सिर्फ एथिकली कि आपकी नाम ख़राब ना हो, आपकी मार्केटिंग लेवल को ख़राब ना हो, आपकी मार्केटिंग को नुकसान ना पहुँचे, आपके बिज़नेस को एथिकली इखलाकी तौर पर भी मॉरली नुकसान ना पहुँचे और आपको कॉस्टली भी नुकसान ना पहुँचे, तो दोनों चीज़ों का आपने बराबर लेके चलना है। तो ये यूटिलिटेरियन जो है वो ये कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, उनकी थ्योरी से इन्होंने डेरीवेट किया है इस कॉन्सेप्ट को। वहाँ पर कह रहे हैं कि भाई आपको इंटरनलाइज़ कर देनी चाहिए कॉस्ट को, यानी कि जो पोल्यूशन की कॉस्ट है उसको इंटरनलाइज़ कर लेना चाहिए कि जो प्रोड्यूसर है जो किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है उसको जितने भी पोल्यूशन उसकी वजह से हो रही है उसके सारे कॉस्ट जो है वो पे करनी चाहिए और उस कॉस्ट को वो ऐड कर दे इसके अंदर कि जितना कम्यूडिटी बनाने में उसको कॉस्ट आ रही है तो वो पोल्यूशन कंट्रोल को भी ऐड करें। अब वो बोल रहे हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम ये हो सकती है कि इंटरनलाइज़ जब आप करें कॉस्ट पोल्यूशन की उसमें, ये तो कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा था लेकिन इसमें मसला ये होता है कि जब बहुत सारे पोल्यूटर इन्वॉल्व हो जाते हैं, यानी कि 3-4 कंपनियाँ एक ही जगह पर इन्वॉल्व हो जाती हैं या बहुत सारे लोग, बहुत सारी इंडस्ट्री एक ही जगह इन्वॉल्व हो जाती है, तो ये कौन क्लियर करता है कि किसकी वजह से हार्म नुकसान हो रहा है और किसकी वजह से नुकसान नहीं हो रहा, तो इसमें जो है ये बड़ा मसला आ जाता था। तो सेकंड रेमेडी जो सेकंड कॉन्सेप्ट दिया वो ये दिया कि भाई पोल्यूशन आप इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं कि आप इंस्टॉल कर दें पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस। पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस किस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे आपके यहाँ जनरेटर है, लाइट वगैरह चली जाती है तो आप जनरेटर को यूज़ करते हैं, जनरेटर में ऑयल, फॉसिल ऑयल कंज्यूम होते हैं, सही है, फॉसिल ऑयल बनने में जो है वो मसला होता है, उसमें बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होती है, वो पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है जो उसके अंदर डीजल पेट्रोल वो जल रहा होता है, और दूसरा जब वो जनरेटर चल रहा होता है तो उसकी चिमनी से निकलने वाला धुआं वो एयर को पोल्यूट करता है, यानी कि डबल एयर पोल्यूट हो रही है। इसको पोल्यूशन अगर आपको कंट्रोल करनी है तो पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस आप क्या कर सकते हैं, आप सोलर पैनल्स बड़े पैमाने पर लगा सकते हैं, बैटरीज लगा सकते हैं कि जब लाइट जाए तो सोलर पैनल जो है वो उसको कवर कर लें एंड बैटरीज कवर कर लें, आपको जनरेटर ही ना चलाना पड़े, आप उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं सोलर पैनल से, तो ये एक पोल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं आप। और दूसरा जो है और बहुत से जो हैं वो आप लगा के कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे वाटर जो है, जैसे आपकी कंपनी, जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें डाइंग होती है, डाइंग में वाटर कलर यूज़ होते हैं, तो आप क्या करें उसी पानी को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सेवरेज टैंक बना लें अलग से, उस टैंक के अंदर उस वाटर को रिसाइकिल करें, रिसाइकिल करने के बाद उस
वाटर को आप अपने प्लांट्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लांट्स वगैरह को आप प्लांट करें, क्योंकि अच्छे खासा टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसके पास एक बड़ा अच्छा खासा एरिया होता है, तो उसके अंदर वो पार्क्स वगैरह छोटा सा बना सकते हैं, उसकी ग्रास पे उस वाटर को यूज़ कर सकते हैं या दरख वगैरह पे यूज़ कर सकते हैं। तो इंटरनलाइज कॉस्ट कर सकते हैं। इंटरनलाइज कॉस्ट करने को कहाँ पे मसला हो गया कि भाई अगर आप इंटरनलाइज करेंगे उस कॉस्ट को पोल्यूशन की, तो बहुत सारी इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री बोलेगी नहीं ये पोल्यूशन तो मेरी वजह से नहीं हो रहा, दूसरी बोल रही है मेरी वजह से नहीं हो रहा, तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा और ये काम इतना कर नहीं पाएगा। तो दूसरा क्या है, पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस आप इंस्टॉल कर लें। दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है इसके अंदर, जस्टिस आ रहा है कि एक ये तरीका है डीलिंग करने का, कि एक तो तरीका ये है पोल्यूशन से डील करने का कि आप कॉस्ट को इंटरनलाइज कर लें और कंसिस्टेंटली ये करने लें, और ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की रिक्वायरमेंट को पूरा करें। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है, हम पिछले मिड टर्म के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं इसकी डेफिनेशन, यहाँ पे आपको मैं एक ज़रा सा ओवरलुक दूंगा। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कंसर्न करता है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटीज़ बेनिफिट एंड बर्डन, यानी कि अगर किसी चीज़ के फायदे और उसके नुकसान इसको जो है सोसाइटी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें। सही है, अब जैसे पोल्यूशन कंट्रोल अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस लगाती हैं, तो उसकी वजह से जो कॉस्ट आएगी उस कॉस्ट को वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें, यानी कि अपने प्रॉफिट मार्जिन से भी कट करें और दूसरा कंज्यूमर के ऊपर भी थोड़ा सा डालें, क्योंकि मिलके ही हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद सिंध पोल्यूशन एक्सटर्नल कॉस्ट आर लार्जली बोर्न बाय द पुअर, यानी कि अब क्या हो रहा होता है कि पोल्यूशन कंट्रोल की जो एक्सटर्नल कॉस्टेज है उसको जो है वो बहुत ज़्यादा तौर पे गरीब ही कंट्रोल बियर कर रहा होता है, क्योंकि पोल्यूशन प्रोड्यूस अ नेट फ्लो बेनिफिट अवे फ्रॉम प्योर, कि पोल्यूशन कंट्रोल पोल्यूशन को जो है अगर आप कंट्रोल नहीं करते हैं पोल्यूशन को, तो उसके जो बेनिफिट है वैसे भी गरीब ही बर्दाश्त कर रहा होता है। जैसे कि अगर बीमारियां आती हैं तो रिच जो है वो तो अच्छे डॉक्टर्स कर लेता है, अच्छे काउंटर मेजर्स ले लेता है, वो घर में यानी कि अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ें यूज़ कर रहा होता है, जो ISO सर्टिफाइड वगैरह होती हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही होती हैं, तो वो चीज़ें यूज़ कर रहा होता है। गरीब बेचारा तो दूसरी चीज़ें यूज़ कर रहा होता है, लोग मिनरल वाटर पी रहे होते हैं, लेकिन गरीब वही पानी पी रहा होता है जो कि लाइन के ज़रिए उसके घर में आ रहा होता है, तो उसमें मसले मसाइल हो सकते हैं, तो गरीब को ही बियर करना पड़ता है। इंटरनलाइज दिस कॉस्ट कैन रिवर्स दिस फ्लो, अगर आपको इसको इंटरनलाइज कर देंगे तो ये कॉस्ट जो है रिवर्स हो जाएगी, यानी कि जो प्रोड्यूसर है वो बेयर करेगा ज़्यादा इसको, और हल्के हल्के क्या होगा वो ऐसी टेक्निक्स को अपनाएगा कि उसकी कॉस्ट कम से कम होती चली जाए और एक वक्त ऐसा आएगा कि पोल्यूशन कंट्रोल हो जाएगी। अगर इसमें ये भी बोल रहे हैं कि अगर फर्म जो है वो बेसिक गुड्स बनाती है, जैसे कि गंदुम है, आटा है, ऐसी चीज़ें बनाती है, जो कॉस्ट जो है वो बर्डन दोबारा पुअर के ऊपर ही आ जाएगा, क्योंकि उसने वो ख़रीदना ही ख़रीदना है और उसकी कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर लग्जरियस आइटम बनाती है वो तो अमीर ही ख़रीदता है, तो खैर कॉस्ट उसकी तरफ चली जाएगी, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है जो पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस इंटरनली कंट्रोल करने की कोशिश करे या पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस लगाए, जैसे कि फ्लोर मिल्स वगैरह होती हैं, आटे की मिलें जो होती हैं, तो फिर जो है वो गरीब के ऊपर इसका बोझ पड़ेगा, क्योंकि बेसिक चीज़ें तो उसने इस्तेमाल करनी ही करनी है, और एक प्रोड्यूसर ने अगर एक कंपनी लगाई है तो उसने उससे प्रॉफिट कमाना ही कमाना है, तो वो कॉस्ट को कवर करेगा। अगर उसकी कॉस्ट कुछ पोल्यूशन कंट्रोल करने में आ रही है तो वो कॉस्ट उसकी जाहिर सी बात है उस चीज़ की कीमत को बढ़ा देगी, एंड देन मसला होगा। टेकिंग टुगेदर दिस रिक्वायरमेंट इम्प्लाइड दैट, ये दो एम्प्लॉयमेंट दो रिक्वायरमेंट जो है उसको हमें यहाँ पर दिखा रहे हैं कि दो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। द कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल शुड बी बोर्न बाय दोज हु कॉज पोल्यूशन एंड हुज हैव बेनिफिटेड फ्रॉम पोल्यूशन एक्टिविटीज़। ये बोल रहे हैं कि भाई एक तो ये होना चाहिए कि जिन्होंने कॉस्ट क्रिएट की है, ऐसी लेजिस्लेशन होनी चाहिए, ऐसे कानून बनने चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि पोल्यूशन की जो कॉस्ट है वही बंदा पे करे जिसकी वजह से वो पोल्यूशन हो रही है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन है, अगर वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का वो वाटर को पोल्यूट करके वाटर के अंदर इन्वायरमेंट में भेज रहा है, या वो उसकी चिमनी से निकलने वाला धुआं एयर को पोल्यूट कर रहा है, तो उसकी वजह से जो साइड इफेक्ट हैं, जो मसले मसाइल हो रहे हैं, उसी को बेयर करना चाहिए स्ट्रेट अवे। गवर्नमेंट ऐसे काउंटर मेजर बनाए कि वो पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस इंस्टॉल करें, सारी चीज़ करें, लेकिन उसकी कॉस्ट की वजह से उसके जो प्रोडक्ट है उसके रेट हाई ना हो, यानी कि कंज्यूमर तक उसका वो ना जाए, बल्कि ओनर्स जो हैं वो खुद बियर करें। दूसरा काउंटर मेजर हो सकता है, द बेनिफिट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल शुड फॉलो टू दोस हु हैव हैड टू बियर द एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि दूसरा जो है बेनिफिट्स जो हैं वो पोल्यूशन कंट्रोल के वो फ्लो करने चाहिए उन लोगों की तरफ जो एक्सटर्नल यूज़र्स हैं, यानी कि जो कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनकी तरफ जाने चाहिए, और वो जो हैं इसके पोल्यूशन कंट्रोल से उनको फ़ायदा होना चाहिए। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था बिल्कुल, तो इसमें कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं है, तीन सिर्फ हेडिंग हैं, तीन सिर्फ टॉपिक्स हैं। एक तो इसकी मेन हेडिंग द एथिक्स ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल, उसके बाद द ड्यूटीज़ ऑफ द फर्म है, और जस्टिस के दो तीन पॉइंट्स दिए हुए। तो ये था आज का लेक्चर, इसमें हमने कवर्ड किए रेमेडीज, द ड्यूटी ऑफ द फर्म एंड जस्टिस। तो ये है, दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 95% लोग जो हैं, जब हमारी टीम हमारे चैनल के एनालिटिक्स को फॉलो कर रही होती है, तो 95% लोग ऐसे हैं जो कि वीडियो को देखते हैं एंड देन वो चले जाते हैं। तो आप काइंडली वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें। अगर शेयर करने में फिर भी थोड़ा टाइम लग जाता है, 20 सेकंड आपके लग जाएंगे लाइक करने में, और चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाने में इसमें आपके 5 से 6 सेकंड लगेंगे, या मैक्सिमम 10 सेकंड लगेंगे। तो आपके ये 10 सेकंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें मोटिवेट करेंगे, हम आपको मज़ीद ऐसे लेक्चर्स दें। ये हाईलाइटेड नोट्स अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मौजूद है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं एंड देन मैं ये हाईलाइटेड नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।